जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बच्चों आपको मेरी? बेटा आवाज आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। अच्छा जी बच्चों, लास्ट जो है वो लेक्चर में मैंने आपको एक्सरे से रिलेटेड हमने पढ़ा था, ठीक है? और मैंने आपको बता दिया था कि जो है वो कॉमन जो आपसे स्टेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको कहाँ से कौन से एक्सरेज से बन सकते हैं, ठीक है? और जो है वो आपकी स्पॉटिंग के लिए कौन सा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों? तो आज जो है वो हम सीटी जो है उसको थोड़ा सा एकदम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? और सीटी स्टेटिस को भी लेके आप लोग जो थे वो कंफ्यूज थे कि इसको किस तरह से जो है वो पढ़ना है। अच्छा जी बच्चों, ये वाला जो हमारा सीसी का लेक्चर था जिसमें हमने पेरिफेरल रीजन जो है वो पढ़े थे, ठीक है? मैंने आपको अपर और लोअर लिंब का पढ़ाया था और बच्चों इसमें इतना कोई जो है मुश्किल बेसिकली नहीं था, बिकॉज मैंने आपको अपर लिंब में से भी कुछ स्पेसिफिक स्लाइसेस ही पढ़ाई थी और लोअर लिंब में से भी हमने कुछ स्पेसिफिक स्लाइसेस ही पढ़ी थी, ठीक है? एक आपको मैंने एमसीक्यू भी दिया था मिड टर्म में, और बेटा प्लीज अपना माइक सब स्टूडेंट्स म्यूट रखें। हमने पढ़ा था कि किस तरह से आपकी बॉडी डिफरेंट प्लेन्स में हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, ठीक है? और ये आपको एक एमसीक्यू भी आया था। और फिर जब हमने सीटी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सीटी स्कैन बेसिकली क्या करता है कि आपकी बॉडी को वो जो डिफरेंट प्लेन्स हैं जिसमें हम बॉडी को डिवाइड कर रहे होते हैं, सीटी स्कैन भी आपको उन डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर इमेज जो है वो दे रहा होता है, ठीक है? जो हमने क्रॉस सेक्शन इमेज पढ़ा था कि सीटी स्कैन हमें स्लाइसिस में इमेज देता है या क्रॉस सेक्शनल इमेज देता है, तो वो बेसिकली आपको जो डिफरेंट प्लेन्स हमने पढ़े थे उन हर प्लेन के अंदर आपको दे सकता है, ठीक है? यानी कि अगर एक्सियल प्लेन बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है तो सीटी स्कैन हमें इस तरह का स्लाइस भी दे सकता है, ठीक है? एक्सिस के ऊपर भी स्लाइस दे सकता है। इसी तरह से अगर आपका कोई प्लेन जो है वो बॉडी को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहा है तो सीटी स्कैन आपको जो है वो इस तरह का एक इमेज भी दे सकता है। बट मैंने आपको सीटी स्कैन में जितने भी इमेजेस पढ़ाए थे उससे मैंने आपको जो था वो अपर लिम्ब में तो मैंने आपको एक्सियल सेक्शंस नहीं पढ़ाए थे, लोअर लिम्ब में हम देख लेते हैं कि हमने सेंट्रल पढ़े थे या कौन से सेक्शंस पढ़े थे, ठीक है बच्चों? तो इसमें तो सबसे पहली बात है कि आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि हमने स्पाइसेस कौन कौन से पढ़े थे, ठीक है? यानी कि हमने इस तरह से कट किया था, ये शोल्डर का एक एक्सरे है और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने जो है वो सीटी करवाना होता है पेरिफेरल रीजन का यानी कि अपर या लोअर लिम्ब का, तो आपने क्या करना है, आपने एक प्लेन पहले सिंपल एक्सरे करवाना होता है, ठीक है? तो प्लेन एक्सरे हमने करवा लिया, ठीक है? और अब ये जो प्लेन एक्सरे है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फील्ड ऑफ विजन जो है वो इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है? कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सीटी स्कैन कि हम स्लाइसेस जो है वो डिफरेंट करेंगे, ठीक है? तो अब ये किस तरह से स्लाइसेस आपके काटेगा, ये एक्सियल सेक्शन लगे, यानी कि एक कट हमने यहाँ लगाया, एक कट हमने यहाँ लगाया, एक कट यहाँ, एक कट वहाँ, ये इस तरह से आपकी बॉडी को नहीं डिवाइड कर, ठीक है? जिस तरह से आपको एरो हेड ये नजर आ रहा है इस तरह से ये आपकी बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में आप जो है वो उसके सेक्शंस जो है वो डिवाइड करते जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा बच्चों ये तो आपको पता चल ही गया है कि अगर कोई इसमें सेपरेट जो है वो इंडिकेशन दी होगी तो वो आपने याद कर ली है। अच्छा जी, सबसे पहला हमारा ये वाला स्लाइस था जो कि मैंने आपको काफी दफा जो है वो रिपीट कर चुकी हूँ कि इसमें बच्चों इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। आपको पता है आपकी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है वो हमारी बॉडी में दो ही है, ठीक है ना? मेजर जो लार्ज ज्वाइंट है, एक कौन सा है आपका मेजर लार्ज ज्वाइंट, शोल्डर है, और दूसरा जो मेजर लार्ज ज्वाइंट है वो है हमारे पास ग्लीनो ह्यूमरल, सॉरी हिप ज्वाइंट है, ठीक है? एक ग्लीनो ह्यूमरल है और दूसरा आपके पास हिप ज्वाइंट है। तो अब आप देखेंगे एक ग्लीनो ह्यूमरल है, दूसरा हिप ज्वाइंट है, तो ये अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपके पास यहाँ पे हमारे पास ये स्पाइन ऑफ द स्केपुला साथ साथ नजर आ रही है, ठीक है? तो जहाँ स्पाइन ऑफ द स्केपुला आपको नजर आ रही है डेफिनेटली वो कौन सा ज्वाइंट है, ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट है। तो इसमें भी बच्चों मैंने आपको ये वाली और ये स्लाइस जो है वो मैंने आपको कहा था कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बेशक आप जो है वो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें हमने पढ़ा था कि ये आपके पास क्या था, ये आपके पास ह्यूमरस थी, ठीक है? आप देखिए बच्चों ये कट सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आए थे उनको समझ ही नहीं आ रहा था ये सेक्शन किस तरह है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये एक्सियल सेक्शन है, ठीक है? यानी कि आपने यहाँ से पकड़ के ऐसे 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 ऊपर तक जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, जिस तरह ये एरो हेड की पोजिशन है इस तरह से हम कट कर रहे हैं। जब भी सीटी स्कैन आप लोगों ने स्लाइस पढ़ना है बच्चों, तो आपने माइंड में ये पॉइंट बनाना है कि
आप अपनी बॉडी को कट सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और किस प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं, जिस प्लेन में आप स्लाइस पड़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सियल सेक्शंस की साइज है, तो अब आपने क्या करना है, अपनी अपने ज्वाइंट के ऊपर एक्सियल सेक्शंस बनाना शुरू करें कि अगर मैं अपने ह्यूमरस को जो है, या हमारा जो ह्यूमरल ज्वाइंट है, इसको अगर हम एक्सियल सेक्शन में काटना शुरू करें, तो सबसे ऊपर क्या आएगा, मिड में क्या आएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जी ये स्लाइस जो है वो सबसे ऊपर से हमने शुरू किया होगा, ठीक है, यानी कि ये हमने स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये हमें ह्यूमरस का हेड नजर आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास ह्यूमरस का हेड। अब ये हमारे पास क्या है जी बच्चों, स्कैपुला है, ठीक है। ये अब आप देखिए कितना एक ऑब्वियस सा स्ट्रक्चर है कि हेड और जो स्कैपुला है, आपको किसी भी बॉडी का, और जब आप स्लाइस निकालते हैं तो आपको इस तरह का इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज दूसरा बॉल एंड सॉकेट मेजर जॉइंट कौन सा है, हमारा हिप जॉइंट है, ठीक है। तो हिप जॉइंट इस तरह से नहीं बन रहा होता, उसमें आपको इस तरह से स्पाइन ऑफ द स्कैपुला नहीं नजर आती थी, इलियम बोन नजर आ रही होती है, और इलियम बोन हमारे पास बड़ी छोटी सी बारीक सी पतली सी बोन होती है, ठीक है। तो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला ही आपको इस तरह से ब्रॉड जो है वो नजर आ सकती है। अच्छा ये तो हो गए थे। अच्छा उसमें अलावा बच्चों एक मैंने आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो मैंने बताया था कि सुप्रा स्पाइनेटस मसल, और ये भी मैंने आपको कहा था कि आप सिंपल याद रखें कि जहां स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है, डेफिनेटली स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के ऊपर सुपीरियरली अटैच होगा, वो कौन सा होगा, सुपरा स्पाइनेटस, ठीक है, यानी स्पाइन ऑफ द स्कैपुला सुपीरियरली सुपरा स्पाइनेटस। सो इस स्लाइड में हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट जो है वो हमने पॉइंट देखे, एक ह्यूमरस, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, सुपरा स्पाइनेटस, और अगर आपने एक और पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिकली द फ्लैबुलम, ठीक है। आप देखिए ये आपका शोल्डर है, ये आपका बैक से क्या आ गया, स्कैपुला की स्पाइन आ गई, और अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं आपके नेक के एरिया की तरफ, तो वहां आपकी क्या लगी होगी, डेफिनेटली क्लेविकल बोन लगी होगी, ठीक है बच्चों। तो अब आप अपने ऊपर ये रख के देखें कि अगर आप अपने शोल्डर के इस लेवल के ऊपर सीटी स्कैन का एक स्लाइस देखेंगे, तो आपको क्या क्या नजर आ सकता है, हेड, स्पाइन, क्लेविकल, दैट्स इट, ठीक है, एक मसल हमने देख लिया। फिर अब हम थोड़ा सा इस स्लाइड से नीचे गए, ठीक है, जब आप नीचे गए हैं तो आपको क्या हुआ है कि हेड ऑफ ह्यूमरस जो था वो अब हमने मिड शैफ्ट से थोड़ा सा ऊपर के लेवल के ऊपर, ठीक है, और ये ग्लीनोइड लैब्रम, ठीक है। अब ये तो बेटा टिपिकल प्रेजेंटेशन है ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट, इसमें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये एसिटाब्यूलम आपको किसी एंगल से नहीं लगा, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे जी ह्यूमरस का हेड है और ये एसिटाब्यूलम है, तो एसिटाब्यूलम है तो फिर उसके साथ आपके पास ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला क्यों आ गई, ठीक है। इसलिए बच्चे ये आपने याद रखना है कि ह्यूमरस का हेड हो गया, ये हमारे पास ग्लीनोइड लैब्रम हो गया, ठीक है, अगेन ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला हो गई, मतलब ये ऊपर थी, अब इसे हम नीचे कट वाले सेक्शन में चले गए, ठीक है। अच्छा उसके अलावा बच्चों एक और इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो और अगर आपने रिकॉर्डिंग सही से सुनी हो, कि ये हमारे पास एक मेजर मसल था शोल्डर का, जो कि मैंने आपको कहा था कौन सा था, डेल्टॉइड मसल था, ठीक है, ये थ्री नंबर जो है ये कौन सा है, डेल्टॉइड मसल है। अच्छा और एक और पॉइंट जिसे मैंने आपको बताया था कि जहां स्पाइन ऑफ द स्कैपुला आपको पूरी ब्रॉड नजर आ रही है, सुपीरियर पोर्शन उसका नजर आ रहा है, वहां कौन सा होगा, सुपरा स्पाइनेटस, और जब आप उससे नीचे चले जाओगे, ठीक है, तो डेफिनेटली सुपरा स्पाइनेटस ऊपर रह जाएगा, जब सुपरा स्पाइनेटस से नीचे हम एक कट सेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या नजर आएगा, इंफ्रा स्पाइनेटस, That's it, ठीक है, ये मैंने आपको इस सेशन के अंदर पॉइंट्स बताए। अच्छा उसके बाद बच्चों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था वो ये था कि ये तो हमें पता चल गया है कि ग्लीनॉइड लैब्रम है, ये स्कैपुला है, ये ह्यूमरस का हेड है, ठीक है, ये जो मेजर हमारे पास मसल है ये कौन सा है, डेल्टॉइड मसल है। अगर आपको एनाटॉमी याद हो बच्चों तो डेल्टॉइड के आपके पास तीन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, और एक इंफीरियर फाइबर्स होते हैं, इसके तीन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेजर एक बड़ा बड़ा मसल होता है शोल्डर का, तो एक तो आपको ये पता चल गया कि ये मेजर हमारा मसल था वो हमने स्लाइड में देखा, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस हो गया था, इंफ्रास्पाइनेटस हो गया था, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं बॉर्डर्स के पास, तो तब हमारे पास आपने कौन कौन से मेजर मसल से आते हैं, वो मैंने आपको बताया था, सब स्कैपुलरिस इंटीरियरली, ठीक है, पीरिस माइनर जो था वो था आपके पास इंटीरियरली, और उसके अलावा मैंने आपको इसे बताया था कि ये दो मसल्स आपने याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, पेक मेजर और पेक माइनर, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आप कहाँ चले गए हो, अपने चेस्ट के लेवल पे चले गए, ठीक है बच्चों। अगर आपको पता है कि जो आपका चेस्ट के हमारे मसल्स होते हैं, जो मेजर मसल है, वो आपका पेक मेजर और पेक माइनर होता है, ठीक है, तो ये अब आपको कौन सा मसल है, पेक मेजर और पेक माइनर के दो फाइबर्स आ जाएंगे जब आप चेस्ट लेवल पे आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगर यहाँ से समझाऊं तो हम कहा क्या क्या स्लाइस नजर आया था, ह्यूमरस नजर आ रही थी, ग्लीनॉइड लैब्रम नजर आ रहा था, और ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला ये आपको नजर आ रही, ये नजर आया हमें। चलिए मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, ठीक है, यानी कि पहला हमने यहाँ से कट सेक्शन लिया था, इस तरह से लिया था ये, ठीक है,
तो ह्यूमरस थी, स्पाइनल स्कैपुला थी, ठीक है आपके पास, और आगे से इंटीरियर क्लाविकल नजर आ रहा। फिर हम थोड़ा सा जब नीचे गए तो हमें स्पाइनल स्कैपुला जो है वो नहीं नजर आ रही थी, यहाँ से जो उसका स्कैपुला का थोड़ा सा लोअर पोर्शन था वो नजर आना शुरू हो, ठीक है। फिर हम कहाँ चले गए हैं, फिर हम नीचे चले गए हैं थोड़ा सा इधर आ गए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया चेस्ट का लेवल, ये आपका चेस्ट का पेशेंट का लेवल है ना। तो इस चेस्ट के लेवल के ऊपर यहाँ कौन से मसल लगे हुए होंगे, पैक मेजर और पैक माइनर लगे होंगे, तो ये आपको नजर आ गया, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा मेरा ख्याल मैंने आपको बताया था कुछ, इसमें दो चीजें, एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब हम ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के मैंने आपको दो बताए थे शॉर्ट एंड लॉन्ग टेंडन, और वो मैंने आपको कहा था कि जब हम बिल्कुल इस लेवल के ऊपर चले जाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए बाइसेप्स का टेंडन ये लगा हुआ है, तो जब हम इस लेवल के ऊपर चले जाएंगे यानी कि शोल्डर का, आप फॉर एग्जाम्पल इस तरह याद कर लें कि जो लास्ट स्लाइस होगा एक्सियल सेक्शन का वो हम एल्बो के पास तक लेंगे या मिड स्टैप ऑफ द ह्यूमरस पे लेंगे, तो वहाँ हमें कौन सा दो टेंडन नजर आने चाहिए, ये वाले दो टेंडन, बाइसेप्स का शॉर्ट और लॉन्ग टेंडन, ठीक है बच्चे। तो अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको मजीद जो है वो कोई रटा लगाने की जरूरत है, या जहाँ दो टेंडन नजर आ रहे हैं बाइसेप्स के, वहाँ आपके पास एक ट्राइसेप्स भी नजर आ रहा है, ठीक है, बिकॉज़ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स इधर अटैच है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों सबको स्लाइड्स। अब इसी तरह की आप याद कर लें, अपने शोल्डर पे ऊपर से याद करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाए, ठीक है। ये वाली स्लाइड मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप मिस कर दें बिकॉज ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये जो चार स्लाइसेस हैं बच्चों शोल्डर की, ये तो अब आपको जो है वो याद होता है। किसी बच्चों को इसमें तो प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करके पूछ। बेटा क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है बच्चों, अब इसमें तो कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल के मुश्किल पॉइंट है जो आपको बार बार जो है वो उसमें टेंशन होगी, क्या है हमें स्लाइसेस नहीं समझ आ रहे हैं। एक्सियल सेक्शंस है कुछ मेजर, इसमें सिर्फ हमारे ह्यूमरस नजर आ रही है, क्लाविकल नजर आ रही है, स्पाइनल ऑफ द स्कैपुला नजर आ रही है, दैट्स इट। और हमने कुछ मेजर मसल्स जो है वो किए हैं, लैटिसिपस डोर्साई मैंने आपको स्किप करा दिया है, टीरीज माइनर मैंने आपको स्किप करा दिया, और टीरीज मेजर मैंने आपको स्किप करा दिया है, सब स्कैपुलरिस मैंने अब आपको स्किप करवा दिया है, ठीक है। अब हमने मेजर मेजर मसल्स जो है वो सिर्फ पढ़े, दैट्स इट। अच्छा जी, अच्छा बच्चों ये अब अगर इस तरह का साइज आ जाए, अगेन की बात है, देखिए अब मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि ये आपको इस तरह कोई सेक्शन आता है जहाँ हेड के साथ आपको एक बोनी बोनी प्रोजेक्शन साथ ही नजर आ रही है, उसके साथ यानी कि अटैचमेंट या उसमें थोड़ा सा मसल की वजह से स्पेस नजर आ रही है, तो वो क्या है, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है। अब यहाँ पे बेशक जो है वो मार्कर भी लगा हुआ, लेकिन ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, ठीक है, ह्यूमरल हेड, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, और ज्यादा हमें क्या क्लियर हो गया है, क्लाविकल नजर आ रही है हमारी, ठीक है, ये हमारे पास क्लाविकल बोन है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जहाँ हमारे पास स्पाइन ऑफ द स्कैपुला बहुत प्रोमिनेंट नजर आ रही होगी, वहां क्या होगा, एक मेजर मसल लगा होगा, वो कौन सा होगा, सुपरा स्पाइनेटस, ठीक है जी, सुपरा स्पाइनेटस, ये बच्चे सुपरा स्पाइनेटस मसल है, ठीक है। इससे नीचे होता है इंटर स्पाइनेटस, इसका थोड़ा सा ये टेंडन नजर आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसको बेशक इग्नोर भी कर दें कि अगर इस साइज में आपसे ज्यादातर पूछा जा सकता है, तो सुपरा स्पाइनेटस, हेड, क्लेविकल, स्पाइन, और जो एक मेजर शोल्डर मैंने आपको बार बार बताया अराउंड द जॉइंट, वो कौन सा है, डेल्टॉइड्स, दैट्स इट, ठीक है। इसमें और कोई इतना जो है मुश्किल नहीं, ठीक है, एक्सल सेक्शन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये था हमारे पास, अब एल्बो पे आ जाते हैं। बच्चों क्लियर हो गया सबको शोल्डर? किसी बच्चे को वॉइस को मसला है तो प्लीज पूछ लें बेटा, क्योंकि ये हमारी लास्ट रिविजन क्लास है, ठीक है। इसके बाद फिर आपके वाइवर्स हैं और फिर क्विज होगा और फिर फाइनल्स होगा, तो अगर अभी भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो अभी ही पूछ ले मुझसे। वॉइस समझ आ रही है? यस मैम। अच्छा बच्चों, अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो है वो क्या किया हुआ था, मैंने जैसे पहले भी बहुत दफा बताया है कि आप लोगों ने नी जॉइंट को एल्बो बनाया हुआ, ठीक है, आप मुझे नहीं पता आप लोग कॉपी करते रहे किस तरह आप लोगों को जो है वो लगा कि नी जो है वो एल्बो जॉइंट है। तो बेटा देखिए, इसमें पहली तो बात यह है कि मैंने आपको जो पढ़ाया कि आपने कहा था कि जो रेडियस का थ्रेड है इट इज क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। पहली बात यह कि ये एक छोटा जॉइंट है, स्मॉल जॉइंट है एल्बो जॉइंट, और नी जॉइंट एक मेजर जॉइंट है, ठीक है। ह्यूमरस और अगर आपने फीमर को देखा हो तो ह्यूमरस एक जो है वो कंपैरेटिवली छोटी बोन है, थोड़ी पतली होती है, और जो आपकी फीमर होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द ह्यूमरस। उसके अलावा आपके पास ये जो आपको ऑलिक्रोनिक प्रोसेस नजर आ रहा है ये सिर्फ आपको एल्बो में ही मिलेगा, ये आपको नी में नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर हेड ऑफ द ह्यूमरस सॉरी रेडियस जो है वो आपको बता सकते हैं कि ये एल्बो जॉइंट है। तो बेटा मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो कि आपको
ये आइडेंटिफाई कर रही है कि ये जो है वो एल्बो जॉइंट है या ये फिर नी जॉइंट है, ठीक है। तो अच्छा, ये तो इसका जो है वो हमारे पास एक प्लेन एक्सरे हो गया, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, इसमें भी बच्चों देखिए आप लोग के आपसे एक्सरे में भी मेजर मेजर ही पॉइंट पूछे जाते हैं, जैसे कि सुप्राकंडाइलर रिज है, ये थोड़ा आप जो है वो वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन स्टिल आप लोग मेरा ख्याल है कि इसको जो है वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन जैसे शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस हो गई, ओलिफ्रोन एंड प्रोसेस हो गया, हेड ऑफ द रेडियस हो गया, अल्ला हो गई, रेडियस हो गई, फिर आपके पास जो है वो ट्रॉकियर नॉच हो गई, कोरकॉइड प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये जो मेजर मेजर है आपसे, ये सारे आपसे जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास कैपिचुलर होता है, इस तरह से ये जो मेजर पॉइंट्स है ये आपको एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। अच्छा, अब ये भी एक और देखें बच्चे कि हमने रेडियल हेड फ्रैक्चर डिप्रेशन, यानी कि रेडियल का हेड जो रेडियस का हेड है उसका फ्रैक्चर हो जाए और वो डिप्रेस्ड हो जाए, यानी कि फ्रैक्चर होने के बाद वो जो है वो बोन के अंदर इम्पिंच हो जाए, ठीक है। तो उसके अगर इस तरह का हमारे पास एक डिप्रेस्ड फ्रैक्चर आ गया, यानी कि फ्रैक्चर होने के बाद बोन जो है वो जॉइंट के अंदर डिप्रेस्ड हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन क्या है कि हमें एल्बो का वहां पे क्या कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगेन बच्चे ये आपसे एमसीक्यू या आपका क्विज बन सकता है, या अगर आपके फाइनल में कोई एमसीक्यू आए तो उसमें पूछा जा सकता है कि एल्बो जो है उसका हम सीटी स्कैन कौन सी कंडीशन में कराते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो ये एक कंडीशन उसमें दी जा सकती है जो कि आपके लिए राइट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अच्छा बच्चों, उसके बाद ये लैटरल और मीडियल एपिकंडाइल, अब आप फिर देखें बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपनी एल्बो को देखें, आपके एल्बो जॉइंट कहाँ है, उसका ये आपका एक्सियल सेक्शन है, ठीक है। यानी कि अपर और लोअर पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, वो प्लेन जो कि आपके अपर और लोअर पार्ट में जो है वो एल्बो को डिवाइड करता है, ये उस प्लेन के ऊपर हमने सीटी स्कैन ने स्लाइस लिया हुआ है, ये एक्सियल सेक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, लैटरल कंडाइल और मीडियल कंडाइल, सबसे पहले तो हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। आप बेटा जरा थोड़ा सा माइंड में सोचें कि आपकी जो बॉडी है उसमें इस तरह का इमेज या इस तरह का अगर हम कट सेक्शन लें, ठीक है, तो कहाँ पे इस तरह का कट सेक्शन आ सकता है। नी जॉइंट का इस तरह का कट सेक्शन नहीं आएगा, ठीक है, मेजर लार्ज बोन्स है, ठीक है। शोल्डर का इस तरह का नहीं आएगा, अभी हमने देख लिया शोल्डर में जो है वो साथ साथ हमें स्पाइन ऑफ द स्कैपुला नजर आ रही थी, ठीक है। ये मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भी बताया था कि इसको आपने ओलिफ्रोनियल प्रोसेस को ह्यूमरस के हेड के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंडाइल्स आ चुके हैं, ठीक है, कंडाइल्स आ गए हैं। कंडाइल्स के साथ जहाँ आपको जो है वो राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आता है, तो वो क्या होता है, एल्बो जॉइंट है और वो उसका ओलिक्रोनियन प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। तो ये तो दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, और एक और जो आपको मसल्स के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह याद रखें कि जो लैटरल कंडाइल है उसके साथ ब्रैकोरेडियलिस और जो मीडियल कंडाइल है उसके साथ प्रोनेटर टीरीज की अटैचमेंट होती है, दैट्स इट। अगर आप एनाटॉमी भी रिवाइज करें उसमें भी यही है, ठीक है, उस दोनों के दरमियान में ब्रैकियलिस मसल, दैट्स इट। अच्छा, अब ये थोड़ा सा और सेक्शन नीचे चला गया, जब और सेक्शन नीचे चला गया है तो ओलिक्रोनियन प्रोसेस अब आपको नजर नहीं आएगा, ब्रैकियोरेडियलिस उधर ही रहेगा, प्रोनेटर टीरीज भी है यहाँ पे लेकिन ये नजर नहीं आ रहा, ब्रैकियलिस मसल भी उधर ही है, सिर्फ हमारे पास क्या हुआ है, ट्राइसेप का टेंडन यहाँ पे एक बार, ठीक है, सिर्फ इसकी एक अटैचमेंट आ गई। अभी हम थोड़ा सा जरा नीचे लेवल पे चले गए तो वहां पे हमारे पास सिर्फ लैटरल और मीडियल कंडाइल्स नजर आ रहे हैं। अब बेटा अगेन ये आप देखिए आपकी बॉडी में कौन सी बोन्स है जिसका हम कट सेक्शन लें तो इस तरह का इमेज आएगा, कोई भी ऐसी बोन नहीं है जिसका कट सेक्शन है, तो आप इसका, ठीक है, आप अपने सारे जॉइंट्स देख लें, एल्बो जॉइंट देख लें, हाथ का जॉइंट्स देख लें, ठीक है, पाँव के जॉइंट देख लें, एंकल जॉइंट देख लें, हिप जॉइंट देख लें, अपने अगर आपने स्पाइन के जॉइंट्स देख लें तो वहां देख लें, कहीं पे भी आपको इस तरह के कंडाइल्स वाला सेक्शन नजर नहीं आएगा। अगर आप लोग ये बार बार देखेंगे सेक्शन तो ऑटोमेटिकली आपको ये याद हो जाना चाहिए। अच्छा जी बच्चों, अब ये और हमारे पास आ गया है रेडियस का हेड, अल्ना हो गया, अगेन वही है ब्रैकियोरेडियलिस, प्रोनेटर टीरीज, यहाँ पे सिर्फ एक एंकोनियस मसल जो है उसके टाइप। अच्छा, अब इसके लिए बच्चों मैंने आपको सिर्फ बताया था कि आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जहाँ पे आपको रेडियस का हेड नजर आएगा, यानी कि हम जहाँ रेडियल हेड के लेवल पे स्लाइस ले रहे हैं वहाँ आपको एंकोनियस मसल जो है वो अटैचमेंट नजर आए, सिर्फ जहाँ रेडियस का हेड के ऊपर हम सेक्शन लेंगे वहाँ हमारे पास एंकोनियस मसल भी स्लाइस के अंदर नजर आएगा। अच्छा, और इसके अलावा बच्चों एक ये स्लाइस हमने पढ़ी थी और ये भी मैंने आपको बताया था कि क्वाइट इजी है, ठीक है, ये आपने अपने एल्बो या जो हम कहते हैं कि आपने अपने जो हाथ है आपका जो बाजू है उसका हमने मिड शाफ्ट लेवल के ऊपर जो है सेक्शन लिया, ठीक है,
प्रॉक्सिमल फोरआर्म या मिड जो शाफ्ट है आपके रेडियस और कंडा की उस लेवल के ऊपर हमें ये सेक्शन मिला है। अब अगेन बच्चों इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी बोन्स है, दिस इज वेरी क्वाइट सिंपल कि आपकी बॉडी में दो बोन्स इस तरह से कहाँ पे अटैच हैं जो कि इतनी छोटी और इतनी जो है वो साइज में छोटी है और इतनी सी आप कह देंगे ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है ना। आप देखें आपकी फिब्यूला है और आपकी टिबिया है, टिबिया जो है वो ब्रॉड है, फिब्यूला जो है वो बारीक है, तो ये टिबिया और फिब्यूला का कट सेक्शन हम इस तरह से आपको नहीं नजर आएगा, ठीक है। और कौन सा हो गया, ह्यूमरल का इस तरह नहीं नजर आएगा, ठीक है। ह्यूमरस आपके पास, ह्यूमरस के साथ तो कोई बोन ही नहीं लगी भी, तो उसका आपको दो बोन्स का कौन सा कट सेक्शन नजर आएगा, ठीक है। और कौन सा रह गया, फीमर, फीमर के साथ भी आपके पास कोई और बोन ही नहीं है, तो आपको कौन सा कट सेक्शन इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है बच्चों की, ये आपके पास दो बोन्स जो कि ट्यूब लाइक राउंडेड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर दो बोन्स है, उनका हम कट सेक्शन दें तो आपके पास किस तरह से दो बोन्स नजर आएंगे, विच आर डिसिपी द रेडियस एंड द अल्ना, ठीक है। पहली तो बात है कि आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रेडियस और अल्ना है, क्योंकि इस तरह के और बोन्स का कट सेक्शन हमारी बॉडी में कहीं भी नहीं। फिर मैंने आपको बच्चों ये कहा था कि आपने ये याद रख लेना है कि हमारा जो फ्लेक्सर टेंडन्स कहाँ होते हैं और एक्सटेंसर टेंडन्स कहाँ होते हैं, ठीक है। अगेन वही बात है, फिर एनाटॉमी आ जाती है, ठीक है। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि ये वाला कौन सा मसल है, ये वाला कौन सा मसल है, बस आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है इस साइज को दिखा के कौन सी बोन्स है, ये कौन सा जो है वो यहाँ पे कौन सा मसल की अटैचमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी एक्सटेंसर, तो मैं आपसे किसी भी एक्सटेंसर मसल का नाम पूछ देती हूँ, जैसे एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, कोई भी आप बता दें, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे चूंकि हमारे सारे फ्लेक्सर्स के टेंडन है, ये हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के भी बच्चों आपको मसल्स के नाम आते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफेशियलिस हो गया, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इसमें से आप कोई से मुझे दो तीन भी मसल्स के नाम बता दें तो ओके हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा, ये आपको एल्बो जो है वो क्वाइट ईजी लग जानी चाहिए कि इस तरह के कट सेक्शन आपको बॉडी में और कहीं नहीं मिलेंगे, और यहाँ कंडाइल से याद रख लें, और यहाँ रेडियल हेड के सेक्शन पे एनकोनियस, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस तरह यहाँ पे बोन्स आइडेंटिफाई करें, और फिर फ्लेक्सर कंपार्टमेंट और एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। एल्बो क्लियर होगी सबको, बेटा एल्बो क्लियर है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। अच्छा बच्चों अब आ जाता है जी रिस्ट। अच्छा जी रिस्ट में बच्चों अब इसका हम कोई जरा मैं आपको, वैसे मैंने पहले भी निमोनिक बताया था, हम इसका फिर से कोई निमोनिक निकाल लेते हैं। अच्छा जी ये देखें, ये बच्चों मैंने आपको बताया था शायद एक दफा हमने कोई और निमोनिक पढ़ा था, ये भी आसान है अगर आप ये याद रखें, ठीक है। शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, ठीक है, यानी कि आपने प्रॉक्सिमल में मीडियल से लेटरल साइड पे दो आपको पता है रॉज होती है कार्पल की, एक प्रॉक्सिमल है और एक डिस्टल है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल से अगर आप मीडियल से लेटरल जाएं और डिस्टल में मीडियल से लेटरल जाएं तो आपके पास आप याद रख सकते हैं, ठीक है। शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, आप इसी को ही अगर हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो एक तो पहले बात ये डिसाइड होगी कि रेडियस किधर है और अल्ना किधर है, ठीक है। रेडियस मीडियल साइड पे होती है बच्चों या लैटरल साइड पे? बताएं कौन सा स्टूडेंट बताएगा रेडियस कहाँ होती है? लेटरली होती है, लैटरल होती है, ठीक है। तो रेडियस और अल्ना सबसे पहले तो बेटा, क्योंकि आप लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के ब्लंडर किए हैं, देखिए लेटरल कंडाइल आया था आपको फीमर का, तो आपको पता होना चाहिए था कि लेटरल कंडाइल है, नीचे फिब्यूला नजर आ रही है तो वो लेटरल कंडाइल होगा, क्योंकि फिब्यूला जो है वो आपकी क्या है, लेटरल बोन है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये लेटरल है, ये मीडियल साइड है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखना शुरू करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, शी लुक्स टू प्रीटी
ठीक है, एंड देन ट्राई टू कैच हर, दैट्स इट. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सारे बोन्स याद होंगे. अब आपको सिंपल अगर एक्सरे भी पूछा जाए तो भी आपको बोन्स आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए. ठीक है, और वैसे ही अगर हम इसको सीटी के लिए भी याद रखें तो आपको इसका पता होना चाहिए. अच्छा बच्चों, अब अगेन जो है कार्पल बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी बोन्स होती है. ठीक है, तो एक्सरे के ऊपर भी आपको नजर आ सकती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कौन सी मेंशन है, हेमेट एंड स्केफॉइड. ठीक है, स्केफॉइड तो हमें फिर नजर आ जाती है एक्सरे के ऊपर, लेकिन हेमेट चूंकि बहुत छोटी बोन होती है तो इसके लिए हम स्पेसिफिकली जो है वो पेशेंट को सीटी जो है वो फिर रेफर करना पड़ता है हमें, बिकॉज आपको ये एक्सरे के ऊपर इतना इसका अगर फ्रैक्चर होगा तो क्लियर नजर नहीं आता. अच्छा जी, अब इसका हम सेक्शंस देख लेते हैं बच्चों. ये हमने पढ़े थे स्केफॉइड एंड यूरेट. अब अगेन बच्चों ये याद रखें, देखें आपकी अब अगर आप लोगों ने कभी हैंड का कट सेक्शन देखा हो, या अगर हम एनाटॉमी में एक्सियल सेक्शन निकालते हैं, क्या अगर आप लोगों ने एटलस और वो सब पढ़ा है तो उसमें आप लोगों ने बच्चों इस तरह के सेक्शंस देखे होंगे. ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह के सेक्शंस आपके एटलस में बने हुए हैं सारे. ये आपके सारे रिस्ट के सेक्शंस हैं. ठीक है, ये आपके और कोई भी अगर आप जो है वो देखें अपने बॉडी का ज्वाइंट, तो वहां पे आपको इस तरह का कट सेक्शन नहीं मिलता. ठीक है, ये आपको सारे कट सेक्शन कहाँ मिलते हैं, इस तरह का कट सेक्शन आपके हैंड का कट सेक्शन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ये स्लाइड देखे कि ये हैंड का कट सेक्शन है, ये एक्सियल सेक्शन है. अगेन वही बात आ जाती है बच्चों, शोल्डर में भी हमने एक्सियल सेक्शन पढ़ा है, एल्बो में भी मैंने आपको एक्सियल सेक्शन पढ़ा है. ठीक है, और जो रिस्ट आ गई है इसमें अंदर भी हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, एक्सियल सेक्शन पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आप सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया जी ये सेक्शन कौन सा, ये एक्सियल सेक्शन का स्केफॉइड है और ल्यूनेट में है. ये स्केफॉइड है, ये ल्यूनेट है. आप यहाँ पे हमने देखा था स्केफॉइड और ल्यूनेट. ठीक है, जो आपके रिस्ट के लेवल के ऊपर मेजर दो बोन्स नजर आ रही है वो कौन सी है, स्केफॉइड और ल्यूनेट नजर आ रही है. ठीक है, थर्ड हमारे पास छोटी सी स्टीरॉयड प्रोसेस ऑफ द अन्ना है. ये भी मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है कि जहाँ पे हमारे पास स्केफॉइड यूनिट है हमारे पास जो है वो ये अन्ना पे यहाँ लगी हुई है, तो जहाँ स्केफॉइड और यूनिट आएंगी वहाँ आपके जो अन्ना है उसका साथ स्टीरॉयड प्रोसेस भी आ सकता है. क्यों, क्योंकि कट सेक्शन इस तरह लिया जाएगा सीटी स्कैन के अंदर. ठीक है बच्चों, तो एक तो सिंपल हमने इसमें देख लिया स्केफॉइड यूनिट और साथ स्टीरॉयड प्रोसेस ऑफ द अन्ना. ठीक है, अब अगेन अगर आपको याद रह जाए तो जो है वो वेल एंड गुड. ठीक है, कि एक्सटेंसर टेंडन्स कौन से हैं और फ्लेक्सर टेंडन्स कौन से हैं इसके अंदर. ठीक है, आप सिर्फ ये याद रख लें कि इंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड. ठीक है, जैसे कि हमारा जो इंटीरियर कंपार्टमेंट है या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है वो फ्लेक्सर्स हैं या एक्सटेंसर्स हैं, तो भी आपके लिए जो है वो क्वाइट ओके होगा. ठीक है, ये हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है और ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है. इसमें आपसे जो कि यहाँ पे मैंने आपको मसल्स के नाम नहीं मेंशन किए हुए, ठीक है, या आगे साइसिस में है भी, तो आप एटलीस्ट बच्चों सिर्फ इतना भी आइडेंटिफाई करने के कौन सा जो है वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है और कौन सा एक्सटेंसर है, तो वो भी जो है वो क्वाइट एनफ है. उसके बाद बेटा अब अगेन मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आइडेंटिफाई करना स्लाइड को जो है कि ये रीजन कौन सा है बॉडी का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया अगेन ये वाली स्लाइस को देख के, या अगर मैं आपको बोन विंडो या मसल विंडो भी दिखाती हूँ. ठीक है, ये हमने दो विंडोज पढ़ी थी अगर आपको याद है. एक हमने पढ़ा था बोन विंडो जिसमें मैंने आपको बताया था बोन्स ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही है. ठीक है, और एक हमने पढ़ा था मसल विंडो जिसमें हमारे पास मसल्स जो है वो ज्यादा फिर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो चूंकि बच्चों मैं आपसे मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगी. ठीक है, मैं आपसे रिस्ट के लेवल पे बिकॉज छोटे छोटे से मसल्स हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अगेन कोई बात है, सिर्फ आपको कंपार्टमेंट पता होना चाहिए, फ्लेक्सर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट और जो मेजर मसल्स है और सॉरी बोन्स है उसका आपको पता. यानी कि आपने रिस्ट में जो बोन विंडो है इसके ऊपर फोकस कर. ठीक है, तो अब हमने कौन सा पढ़ा था, स्केफॉइड, फिर कैपिकेट, हेमेट, ट्राइक्यूट्रियम, पिसिफॉर्म और जो है वो ये पिसिफॉर्म. ठीक है, तो ये हमारे पास सारी बोन होगी. अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होती है कि जो है वो हमने वो पढ़ा था कि शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर, तो वो यहाँ पे जो है वो हमें प्रॉपरली नहीं पता चल रहा. ठीक है, तो बच्चों अब इसमें ये है क्योंकि ये कट सेक्शन है, तो कट सेक्शन में ये है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल आपको ऐसे नजर आ रहा है जैसे कि आप ऊपर से खड़े होकर जो है वो उसको दिख रहे हैं. ठीक है ना, तो कट सेक्शन के अंदर वो थोड़ा सा प्रॉक्सिमल और डिस्टल वॉल्स जो है वो आपको ओवरलैप होती हुई नजर आ रही है. ठीक है, तो इस वजह से वो जो एक पैटर्न हमने पढ़ा था कि शी लुक्स टू प्रीटी ट्राई टू कैच हर वाला आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है. तो ये मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल इसको सीक्वेंस में याद कर सकते हैं. ठीक है,
सीक्वेंस में सिर्फ इसको याद करने बिकॉज यहाँ पे हमारा वो पैटर्न जो है वो क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था वो ब्रेक हो रहा है. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया स्किफॉइड यूनिट. हमने जो है वो साथ स्टीरॉइड प्रोसेस ऑफ द अन्ना से याद रख लिया. ये मैंने आपको बताया कि पैटर्न वाइज याद करने. फिर ये वाली स्लाइड तो बहुत ईजी थी, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास हुक ऑफ हिमेड से आपको सबसे पहले क्या पता चल सकता है कि ये हिमेड बोन. ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे अब हमारे पास वाला पैटर्न आ गया है कि ट्राई टू कैच हर वाला भी. ठीक है, कि कैपिटेट है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजॉइड है और फिर हिमेड. ठीक है, तो ये बच्चों अगेन इसमें मसल विंडो जो है वो हम उसको नहीं देखेंगे. ठीक है, जो बोन विंडो है उसके ऊपर आप फोकस करें बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जो आपको बोन्स है वो भी आपसे ज्यादा पूछा जाएगा. ठीक है, ये हमारा एक्सटेंसर और ये हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. ये हम शुरू से साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं कि ये आपका एक्सटेंसर है और ये आपका फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. अच्छा जी, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्केफॉइड फ्रैक्चर एक्सरे पे नजर आ सकता है लेकिन जो है वो छोटी बोन है इसलिए हमें वो देखना पड़ता है. बेटा आप जिसका भी माइक जो है वो अच्छा जी, ये जो थे ये सिंपल फ्रेंजिस थे ये आपको नजर आ रहे हैं. उसके बाद बेटा ये लोअर लिम में हम देख लेते हैं, अगेन एक प्रॉपर एक्सरे आ गया. उसके बाद जो है वो अच्छा ये अब मुश्किल आपको लग रहे थे आई थिंक. हाँ जी बेटा, अब आप देखें अभी हमने ऊपर पढ़ा है हेड ऑफ द ह्यूमरस और साथ हमारे पास क्या था स्पाइन ऑफ द स्कैपुला. ठीक है, अब आप मुझे बताएं बेटा अगर आपने हिप जॉइंट को प्रॉपरली कभी जो है वो स्टडी किया है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हिप जॉइंट का जो एसिट्रब्यूलर है वो किस शेप का होता है. ठीक है, वहां हेड था और इस तरह से लंबी सी साथ स्कैपुला की स्पाइन आपको नजर आ रही है. ठीक है, यहाँ पे आपको ये सी शेप्ड एसिट्रब्यूलर नजर आ रहा है जो कि जो फीमर का हेड है उसके साथ ज्वाइंट बना रहा है. ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा कौन सा है, नी ज्वाइंट का सेक्शन है. एंड बच्चों अगेन दिस इज अ एक्सियल सेक्शन. ठीक है, यानी कि सीटी में हमने जितने भी लोअर लिम के, अपर लिम के, यहाँ पे पेरिफेरीज के सेक्शंस पढ़े हैं वो सारे ही मैंने आपको एक्सियल सेक्शंस पढ़ाए हैं. ठीक है, सेजिटल प्लेन या किसी और प्लेन में हमने नहीं पढ़ा बिकॉज वो आपके लिए मुश्किल हो चुका था. तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारे पास क्या है जी, एसिटाब्यूलम है. या फिर एक और इम्पोर्टेंट बात एसिटाब्यूलम में याद रखने वाली है जो कि क्वाइट इजी है, मैंने आपको बताया था इसका इंटीरियर कॉलम और पोस्टीरियर कॉलम है जिसको हम इंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि एसिटाब्यूलम है और इसका ये और ये कौन से दो पार्ट्स हैं, आप बताएंगे इंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट्स या इंटीरियर पोस्टीरियर कॉलम या फिर इंटीरियर पोस्टीरियर हॉर्न्स, दैट्स इट. ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, फीमर का हेड है और ये पूरा इटसेल्फ एसिटाब्यूलम. अच्छा, उसके अलावा बच्चों जो के मसल्स थे उसमें ये था कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आप सिर्फ याद रख लें कि हेड के पास किस मसल की अटैचमेंट है. ठीक है, और जो है वो पोस्टीरियरली आपके पास जो है वो कौन सा मसल लगा होगा, इंटीरियरली मसल कौन सा लगा होगा. लेकिन अगेन आई थिंक आपके लिए थोड़ा सा जो है ये डिफिकल्ट होगा, तो आप इसमें जो मेजर मेजर याद रख लें जैसे कि एक तो हमने इसमें से कर दिया हेड ऑफ द ह्यूमरस एसिटाब्यूलम. फिर यहाँ पे ये हमें नजर आ रहा है जी फेदर, एक ये आप इसमें से आइडेंटिफाई करें क्योंकि यहाँ पे ये इस लेवल पे किया जा रहा है तो यहाँ फेदर पर आ रहा है. ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैं आपको इसमें से बताती हूँ कि जो आप मेजर याद कर लें अच्छा एक ये याद रखना है बच्चे मेजर मसल आपके पास. ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस एक हमारे पास मेजर मसल है. ग्लूटियस मैक्सिमस याद रखें, दो हेड्स जो लगे हुए हैं ये दो. ठीक है, एट और नाइन ग्लूटियस मिनिमस और मिनिमस. ठीक है, क्योंकि ये जरा हमारे ज्यादा मेजर मसल है. कौन कौन से याद करने के लिए मैंने कहा है, एक ये दो हेड्स मीडियस और मिनिमस, एक ये जो मेजर लॉन्ग मसल है ये कौन सा है, ग्लूटियस मैक्सिमस. अभी आपको ऊपर याद है मैंने आपको शोल्डर पे कौन सा याद करवाया है, डेल्टॉइड याद करवाया है. ठीक है ना, जो कि हेड ऑफ द ह्यूमरस के इस तरह से बोथ साइड्स पर अटैच था पोस्टीरियर साइड पे. ठीक है, इसी तरह से आपने हिप में एक सबसे पहला मेजर मसल कौन सा याद रखना है, ग्लूटियस मैक्सिमस. ठीक है, इसके अलावा दो हेड्स कौन से याद रखने हैं, मिनिमस और मीडियस याद रखें. ठीक है, अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है. अगर हम देख लें कि ये जो है वो हमारे पास इलियोस्वास जो है उसके अटैचमेंट है और इलियोस्वास के साथ सार्टोरिक्स. ठीक है, ये चार मसल्स बच्चों आपने याद रखने हैं. अब फिर से मैं बता रही हूँ, ग्लूटियस मैक्सिमस एक मेजर हो गया, दो हेड्स किसके हो गए, मिनिमस और मीडियस के हो गए. ठीक है, फिर इसके इंटीरियर कौन के पास इसके अटैचमेंट है, हमारे पास इलियोस्वास मसल की अटैचमेंट है. इलियोस्वास के साथ बिल्कुल अगर एक छोटा सा मसल लगा हुआ है तो वो कौन सा है, सार्टोरियस मसल. ठीक है, इस साइज के अंदर हमने
मसल्स भी देख लिए और साथ साथ हमने बोन्स भी आइडेंटिफाई कर ओके बच्चों अब ये वाला सेल्स जो है इसमें अगेन आप देखेंगे ये थोड़ा सा हम देखेंगे कट सेक्शन है ठीक है। तो अगेन अब आप देखेंगे इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बॉडी में किसी और अभी हमने ऊपर जितने भी जॉइंट्स पड़े हैं उसमें कट सेक्शन में आपको इस तरह का जो है वो कट सेक्शन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका जो है वो ज्यादा याद रखना क्या है फीमर का हेड है फीमर की नेक याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि फीमर की नेक जो है उसका फ्रैक्चर बहुत ज्यादा कॉमन होता है एल्डरली पीपल में या जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन होती है जो एल्डरली पीपल होते हैं बूढ़े लोग होते हैं उसमें ठीक है। तो हेड नेक और उसके अलावा ग्रेटर टोकेंटर इसके अलावा आप जो है उसमें याद रखने ट्यूबरोसिटी एंड हमने पढ़ा था ठीक है। इसमें आप बेशक कुछ मसल जो है वो ना याद रखें शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए वैसे तो अगेन अगर इसमें आप देखें तो ये वाला जो अभी ऊपर मैंने आपको मेजर मसल याद कराया है कौन सा है ग्लूटियस मैक्सिमस ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ग्लूटियस मैक्सिमस मसल आप चलिए इस स्लाइड में क्या याद रखें एक हमारे पास क्या है फीमर का हेड है फीमर की नेक है ठीक है ग्रेटर टोकेंटर है उसके बाद जो है वो क्या है ईस्टर ट्यूबरोसिटी है ठीक है प्यूबिक बोन है और हमारे पास एक मेजर मसल है अगेन कौन सा नजर आएगा यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस नजर आ रहा है ठीक है क्योंकि ये कट सेक्शन है ये आपको फीमर अब यहाँ पे इसके ऊपर लेवल के ऊपर नजर आ रहा है ना यानी कि ये स्लाइस इधर नेक के लेवल के ऊपर दिया गया ठीक है। अगेन ये एक एक्सियल स्लाइस है ठीक है बच्चों। तो ये बड़ा इजी से हमने इसमें कुछ मसल्स याद कर लिए ये जॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया फिर हमने याद रखना है कि जहाँ पे फीमर की नेक आपको नजर आ रही है वहां पे सेक्शन थोड़ा सा आपको डिफरेंट हो जाएगा और डेफिनेटली जहाँ नेक नजर आ रही है फीमर की वो थोड़ा सा लेवल हमने नीचे लिया होगा तो नेक के साथ आपको नेक के बिल्कुल सामने हमारे पास प्यूबिक बोन पड़ी हुई होती है ठीक है। तो जहाँ नेक नजर आएगी वहां प्यूबिक बोन भी आपको जरूर नजर आएगी ठीक है और जहाँ प्यूबिक बोन नजर आएगी वहां ईस्टर ट्यूबरोसिटी भी नजर आएगी क्योंकि ये ईस्टर ट्यूबरोसिटी भी है ठीक है बच्चों। तो इस तरह से अब आपने याद रखना है फीमर का हेड फीमर की नेक ठीक है उसके बाद जो है वो क्या है ग्रेटर टोकेंटर ठीक है ग्रेटर टोकेंटर और उसके बाद प्यूबिक बोन है आपके पास ठीक है और जो है वो साथ जो है वो ईस्टर ट्यूबरोसिटी ठीक है ये इस लेवल के ऊपर है। तो इस तरह याद रखें जहां नेक नजर आएगी वहां आपके पास प्यूबिक बोन जरूर नजर आएगी। ये वाला इमेज बच्चों अगर माइंड में रखें तो आपको ये जो है वो इजीली आइडेंटिफाई करना हो जाएगा और इसमें मैंने आपको सिर्फ एक ये वाला एक जो है वो मेजर मसल ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो मैंने आपसे कह के याद रखा ओके। नेक्स्ट जो ये साइज थी इसमें क्योंकि हमारे पास आई थिंक ज्यादा मसल्स भी थे जो कि मैंने आपको बताए थे अच्छा जी बेटा इसमें आप क्या याद रख सकते हैं मसल्स तो आपके लिए आई थिंक मुश्किल हो जाएंगे। चलिए ये वाली साइज आप बेशक जो है वो ना याद करें ठीक है इसमें से सिर्फ आप बच्चों बोन आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो बोन विंडो है वो मैं आपसे पूछ सकती हूँ ठीक है। मसल विंडो आप इसमें ना याद रखें बिकॉज आई थिंक आपके लिए जो है वो क्वाइट मुश्किल हो जाएगा कि कौन से मसल्स कहाँ पे अटैच है बिकॉज आप उनके रेट भी थोड़ी सी जो है वो वीक है ठीक है। अगेन अगर आप लोग बेटा ऊपर से अगर आप लोगों ने याद किया है तो वैसे आपको पता चल जाना चाहिए देखिए आप ऊपर शुरू से हम पढ़ते जा रहे हैं कि ग्लूटियस मैक्सिमस मेजर मसल था लार्ज मसल अटैचमेंट ठीक है। ये देखिए ग्लूटियस मैक्सिमस उस वक्त से हमारे पास सात सात सेक्शंस के अंदर आ रहा है ये अगेन ग्लूटियस मैक्सिमस है ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ क्या याद कर लेते हैं फीमर उसका लेसर टोकेंटर और ये जो हमारे पास नजर आ रही है दैट इज बेसिकली द प्यूबिक बोन ठीक है प्यूबिक बोन फीमर लेसर टोकेंटर और ग्लूटियस मैक्सिमस ये एक मसल हमने याद कर लिया। अच्छा बच्चों ये वाला एक साइज मैंने आपसे कहा था कि इम्पोर्टेंट है और अगेन बच्चों आप इसमें थोड़ा सा जरा फोकस करें तो आपकी बॉडी में कहीं भी इस तरह का जहाँ पे ये आपको अगेन नजर आ रहा है कि ये आपके पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आते हैं ठीक है। तो जहाँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है बॉडी में भी मैंने आपको बताया दो मेजर रीजन है एक है शोल्डर और एक है हमारे पास क्या हिप है ठीक है। तो शोल्डर में हम कभी भी इस तरह से दोनों जो है वो बायलैटरल एक्सरे नहीं करते हैं या बायलैटरल सीटी का जो है वो स्लाइस नहीं लेते हैं ठीक है। ये ज्यादातर हम किस केस में करते हैं हिप के लेवल पे करते हैं ठीक है। मैंने अगर आपको एक्सरे वाला याद होगा तो एक्सरे मैंने बताया था कि यूजली हम बायलैटरल जो है वो ले लेते हैं इसका इमेज और उसका रीजन ये होता है कि हम उसको पेल्विस के साथ जो है वो देखना चाह रहे होते हैं ठीक है। यानी कि हिप बोन या जो आपका हिप ज्वाइंट है और पेल्विस का उसके साथ अगर हमने इंट्रैक्शन देखना है उसके लिए हम इस तरह का एक बायलैटरल
इमेज जो है उसका एक सेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और ये हमारे बॉडी में कहीं भी इस तरह से हम और बायलैटरल सेक्शन जो है उसको प्रेफर नहीं करते, हिप में करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है जी, हिप जो है वो उस जॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया ये फीमर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक और मैंने आपको बड़ा ही इसमें इम्पोर्टेंट बताया था, वो क्या बताया था हमने कि ये आपके पास था ब्लैडर, ठीक है, ये आपके पास ब्लैडर था। और उसके बाद ये देखें आपके पास छोटी सी हमारे पास सैक्रम बोन नजर आ रही है, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाला लेवल है, ठीक है। ब्लैडर के लेवल पे बोन है तो सैक्रम आपके पास सबसे नीचे बोन पड़ी हुई होती है, ये सैक्रम आपको बोन नजर आ रही है। फिर मैंने आपसे कहा था कि तीन मेजर मसल सिर्फ याद रखने, ग्लूटियस मीडियस मिनिमस और मैक्सिमस, ठीक है, मैक्सिमस मिनिमस और मीडियस, दैट्स इट। ये तीन मेजर मसल्स आपने इसके ऊपर याद रखने हैं। रेक्टस एब्डोमिनस भी वैसे तो आसान मसल है आपके जो बिल्कुल सामने फ्रंट साइड पर अटैच होता है, ठीक है। सिक्स पैक मसल्स भी आप पेशेंट जो है वो उसमें हम क्लाइंट्स में यूज कर रहे होते हैं इसका टर्म, ठीक है। तो ग्लूटियस मीडियस मिनिमस मैक्सिमस रेक्टस एब्डोमिनस फीमर के दोनों हेड ब्लैडर, दैट्स इट, ठीक है। ये चार पॉइंट्स आप इसमें याद करने और ये साइज जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें से मैंने पेरिफॉर्मिस और जो आपका मसल था श्वास मेजर, ठीक है, ये दोनों मैंने निकाल दिया, पेरिफॉर्मिस भी निकाल दिया और श्वास मसल भी निकाल दिया, मीडियस मिनिमस मैक्सिमस रेक्टस एब्डोमिनस ब्लैडर सैक्रम और ये दोनों जो है बहुत याद रखने, दैट्स इट। अच्छा बच्चों इसके अलावा ये जो हमने एक सेक्शन पढ़ा था बेसिकली बोन विंडो की, ये बोन विंडो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इलियम जो हमारी बोन है इसका भी फ्रैक्चर जो है वो कॉमन है, ठीक है, हो जाता है अक्सर। तो इलियम बोन में मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शन जो हम सारे पढ़ रहे हैं इसका रीजन ये है कि हम इलियम जो है वो उसको देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इलियम का जो फ्रैक्चर जो है बेसिकली पढ़ा था, ठीक है, ये इलियम बोन थी आपके पास, इसका फ्रैक्चर था। अगेन बेटा देखिए इस तरह के आपके बॉडी में कहीं पे भी इतनी बारीक सी बोन जो है वो नहीं लगी, ठीक है। अगर आप इसको क्लेविकल कहें तो क्लेविकल के अंदर फिर आपको यहाँ पे जो है वो ये ब्लैडर और ये सारे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इतनी नजर आनी चाहिए, ठीक है, या फिर आपको जहाँ क्लेविकल नजर आएगी फिर आपको साथ यहाँ पे किसका सेक्शन नजर आना चाहिए, ग्लीनो ह्यूमरल ज्वाइंट जो है वो साथ नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली आपका इलियम बोन के लिए हमने जो है वो एक एक्सियल सेक्शन लिया हुआ है, इलियम बोन का अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उसके। और चूंकि बच्चों ये हमारे पास सैक्रम बोन है तो मैंने आपको बताया था एक और पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट था वो था सैक्रल सैक्रोइलियक जॉइंट या जिसको हम एसआई जॉइंट भी कहते हैं। तो सेक्शन में जो है वो दो इम्पोर्टेंट है, एक है इलियम और एक है हमारे पास क्या एसआई जॉइंट, ठीक है, ये दोनों जो है वो इम्पोर्टेंट है। सैक्रल कनाल अगर आपने याद रखना है तो रख लें, लेकिन जो दो मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है इलियम बोन है और एक क्या है हमारे पास एसआई जॉइंट, ठीक है। बिकॉज एसआई जॉइंट के भी पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं और इलियम बोन का फ्रैक्चर भी जो है वो पेशेंट्स में कॉमनली देखा जा रहा है। अच्छा जी बच्चों अब अगेन जो हमने अभी देखे ऊपर कितनी दफा ये सेक्शन इसका मैंने आपको याद करवाया है, ठीक है ना, तो अब तो ये आपको बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये फीमर का हेड है, ये एसिटाब्यूलम है, ये इसका इंटीरियर हॉर्न है, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, ठीक है। अभी हमने याद रखा था इंटीरियर हॉर्न पे आपके पास कौन से मसल अटैच है, मेजर मसल कौन सा था ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ये ब्लैडर था आपके पास, ठीक है, और ये अब हमारे पास सैक्रम से बिल्कुल चुके हम आ चुके हैं अभी कॉक्सिक्स के लेवल पे, तो ये आपको कॉक्सिक्स नजर आती है, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। तो ये अब अगेन सारा वही साइज है, इससे जो है वो ज्यादा आपसे इसमें नहीं जो है एक्सपेक्ट किया जाता। ये वाला एक मैंने आपको साइज बताया है कि इसमें चूंकि बहुत ज्यादा छोटे छोटे मसल्स हैं तो आप इसमें सिंपल आपने सिर्फ बोन्स याद रखनी है, ठीक है, और एक मेजर मसल जो मैंने आपको बताया वो याद रखना, ठीक है, बाकी सारा आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि नेक के लेवल पे क्या पे बोन नजर आएगी और ये सारा जो है डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी नी जॉइंट आ जाता है और नी जॉइंट के लेवल पे बच्चों देखिए तो बड़ा आसान सा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नी जॉइंट का सबसे इजी है बिकॉज इसमें जो है वो हमने कितने सेक्शंस पढ़े थे। अच्छा नी में आप बच्चों क्या याद रखते हैं, सबसे पहले अगेन वही बात आ जाती है कि ये अब आपके पास पटेला आ गई, ठीक है। अब अगर आप इसको एल्बो बना देंगे तो बेटा मुझे बताएं एल्बो में कौन सा ऐसा जॉइंट है जहाँ पे आपको अलग से एक सेपरेट जो है वो इस तरह से प्रोजेक्शन जो है वो बोन की नजर आ रही है, ठीक है। अगेन ये आपके नी का एक्सियल सेक्शन है, ठीक है, यानी कि आपने नी को इस तरह से कट किया होगा, इस तरह से कट किया। अच्छा जी इसमें बच्चों मैंने आपको बताया था वास्टस मीडियलस लेटरलस क्वाड्रिसेप्स
वास्टस आर्टेरियस, ये बच्चों थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वास्टस मीडियलिस, लेटरलिस, बाइसेप फेमरस, सार्टोरियस, सेमी मेम्ब्रेनोसस और क्वाड्रिसेप्स फेमरस, ठीक है। अगर आपको वैसे ही अपना जो है वो पता है कि इंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, तो आपको इसकी भी रटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारा मीडियली वास्टस मीडियलिस होता है, लैटरली वास्टस लेटरलिस होता है, दरमियान में रेटस फेमोरस होता है, ठीक है। और अगर हम पोस्टीरियरली जाएं तो सेमी मेम्ब्रेनोसस, सेमी टेंडिनोसस और बाइसेप फेमोरस होता है, ठीक है। और ये भी आपका जो सार्टोरियस है ये आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट में आता है। तो अगेन बच्चों ये अब आपका जो है वो फीमर है और ये आपका जो है वो मिड शाफ्ट का बेसिकली जो है वो क्या है आपका एक्सियल सेक्शन है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि सुप्रापटेलर, यानी कि पटेला से ऊपर हम थोड़ा सा जाएंगे, मिड आपके थाई के लेवल का जो है वो सेक्शन है। ये आप लोग जरूर याद कर लें। अगेन इस तरह याद रखें इंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल से आप इसको याद रखें। अच्छा बच्चों बेशक ये वाला आप जो है वो मिस कर देंगे, बिकॉज उसमें आई टी आ गया है, आई टी की बैंड वगैरह आ गया, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस साइज को आप जो है वो मिस कर दें, ठीक है, इस साइज को निकाल दें। इस साइज को भी आप निकाल दो, ठीक है जी। ये दोनों स्लाइसेस जो हमारा कौन सी साइड बनती है, 54 एंड 55, ठीक है। 54-55 जो है वो आप दोनों निकलेक्ट कर दें, बिकॉज आपके लिए आप लोगों को मसल्स अटैचमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये आपको मुश्किल होगा, ठीक है। 54-55 हम जो है वो निकलेक्ट करते हैं। सिंपल आपको मैंने नी के लिए सिर्फ एक ये साइज बताई है, इंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से याद रखें, और एक ही साइज, दैट्स इट, ठीक है, जिसमें हमें साफ पता चल रहा है कि ये आपकी फीमर है और ये आपका जो है वो पटेला उसका एक्सियल सेक्शन है। अच्छा जी बच्चों, अगेन ये जैसे हमने हिप में पढ़ा था, इस तरह से नी में मैंने आपको ये पढ़ाया था, और इसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसमें हमने, कि मैंने आपको आर्टिफैक्ट पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर आप इसको फ्रैक्चर ना समझे, ये आर्टिफैक्ट है, और आर्टिफैक्ट हमें किस तरह शो पता चल रहा है कि ये सिर्फ बोन के ऊपर आर्टिफैक्ट नहीं आया हुआ, बल्कि ये आपको बोन और मसल दोनों को जो है वो क्रॉस करता हुआ, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये इमेज दिखाकर पूछूं कि ये कोई फ्रैक्चर है या ये कोई आर्टिफैक्ट है, तो आपने देखना है कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाके जो है ये खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा। अगेन पटेला है, फीमर है, ठीक है जी। मीडियल लेटरल एपिकंडाइल अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, लेटरल हो गया, मीडियल एपिकंडाइल, पटेला, इसमें सिर्फ यही याद रखें, साथ साथ इसमें आर्टिफैक्ट है, दैट्स इट। अच्छा बच्चों, अब सिंपल वैसे आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, ये पटेला है, ये फीमर है, तो ये ज्वाइंट कौन सा बन रहा है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पटेलो फेमर ज्वाइंट बन रहा है, ठीक है। या आपको मैं स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ बच्चों, ये एग्जाम में तो आपसे लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है, और जो स्पॉटिंग है उसमें आपसे इमेज दिखा के जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। 54-55 हमने कैंसिल कर दिए, और बाकी इन सब में मैंने आपको बता दिया कि क्या आपने याद रखना है। एंकल जॉइंट आ गया, एंकल में भी आप सब बच्चों नहीं पता चल रहा था, टीबियो टैलर जॉइंट था, टीबियो फिबुलर जॉइंट था, टैरोलेमिक्युलर जॉइंट था, कैल्क्यूनियम फिबॉइड जॉइंट था, नंबर ऑफ जॉइंट्स थे, लेकिन आप लोगों ने इसको भी गलत किया, ठीक है। फिब्यूला आपके लेटरल साइड पे है, टिबिया आपकी मीडियल साइड पे है। अच्छा जी, ये वाला तो बेटा इसका तो आई थिंक काफी आसान है, बिकॉज जो है वो, अच्छा इसका भी हमने एक्सियल सेक्शन ही किए हुए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। देखिए बेटा, इसका तो एक्सियल सेक्शन इतने आसान है कि एक्सियल सेक्शन इटसेल्फ जो है वो मैंने आपको बताया था कि देखिए ये आपको एक पांव का इमेज ही दे रहा है, ठीक है। आपको अभी हमने किस तरह का एक एक्सियल सेक्शन किसके ऊपर पड़ा है, रिस्ट के ऊपर पड़ा है, तो रिस्ट का ऐसा सेक्शन आ रहा था, रिस्ट में किस तरह से बोन्स पड़ी हुई थी, कार्पल बोन्स सारी इस तरह पड़ी हुई थी, प्रॉक्सिमल और डिस्टल रॉ के अंदर पड़ी हुई थी, ठीक है। ये हमारा एंकल है, तो एंकल में आपको बोन्स की पोजिशन किस तरह से, इस तरह से नजर आ रही है, इसमें प्रॉक्सिमल डिस्टल दो रॉज उस तरह से नजर नहीं आ रही है, बिकॉज ये भी हम एक्सियल सेक्शन ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें भी बच्चों मैंने आपको मेजर मेजर बोन्स जो है वो याद करने के लिए कहा था, एक थी हमारे पास यहाँ पे ये कैल्केनियम बोन थी, ठीक है, कि कैल्केनियम का ही ये पूरी कैल्केनियम बोन थी आपकी, और इसके अलावा मैंने आपको इसमें जो है कौन सी बोन दी थी, कैल्केनियम के साथ जो है वो टेलस पड़ी हुई होती है आपकी, ठीक है वो, और नेविक्यूलर बोन बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हॉरिजेंटल शेप्ड आपके पाँव के अंदर सिर्फ एक ही बोन है, ठीक है, हॉरिजेंटल शेप वो कौन सी है, नेविक्यूलर बोन है, ठीक है। इसमें बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप लोगों को जो है वो कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए, ठीक है, कि ये कौन सी, टेलस, कैल्केनियम एंड एनक्यूबर, दैट्स इट।
और इसका इमेज ही ऑलरेडी ये शो कर रहा है कि ये क्या है आपके पास, ये एक फुट का जो है वो एक्सियल सेक्शन है सीटी स्कैन। मसल्स आप बेशक इसमें जो है वो रहने दें, ठीक है, मसल्स मेरा ख्याल आपको मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा एक सिर्फ याद रखें बच्चों इम्पोर्टेंट, एचिलीज टेंडन, अगर आप अपने पाँव के पीछे देखें तो सारे बच्चे फील करके देखें, आपके पाँव के पीछे एक बड़ा मेजर सा हमारा टेंडन लगा होता है जिसको हम कहते हैं एचिलीज टेंडन, ठीक है, जिसकी टाइटनेस भी बहुत सारे जो है वो लोगों में हो जाती है। एक सिर्फ आपने इसमें एचिलीज टेंडन जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट है वो आपने याद रखना, ठीक है, ये तीन बोन्स इस सेक्शन में याद रखनी है। और क्या याद रखना है, एक ये एचिलीज टेंडन जो है बहुत ज्यादा ये टाइट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है पेशेंट्स में, तो ये आपको ये सिर्फ याद रखना, ठीक है, उसके अलावा बेशक मसल्स आप ना याद करें। अच्छा जी, इसके अलावा बच्चों इसमें जो है वो मैंने आपको बताया था जी, सबसे पहले तो यूनिफॉर्म बहुत आसान है, 1 2 3 3 यूनिफॉर्म बोन्स होती है आपके पास, ठीक है, ये याद कर लें। अगेन हॉरिजॉन्टल शेप बोन आ गई पाँव के अंदर, तो वो कौन सी है, नेविक्यूलर बोन है आपके पास, ठीक है, और फिर ये हमारे पास जो है वो थोड़ी सी जो कि रेक्टेंगुलर शेप होती है वो कौन सी होती है, क्यूबॉइड होती है, ठीक है, और ये जो हमारे पास मेजर थोड़ी सी बोन है वो कौन सी है आपके पास, कैल्केनियम बोन, दैट्स इट, ठीक है। इसमें तो मेरा ख्याल है आपको कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पाँव की शक्ल आपको दी है, ठीक है, इसके सारे सेक्शन आपको पाँव बता रहे हैं कि ये शायद पाँव है, ठीक है, किसी बच्चे का पाँव लग रहा है ना आपको, छोटा सा किसी बच्चे का शायद जैसे पाँव है, ठीक है, तो ये सेक्शन ही हमें ऑलरेडी आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है कि ये कौन सा जो है वो आपका बॉडी का रीजन है, ठीक है। इसमें तो बच्चा आप में से किसी बच्चों को अब कोई प्रॉब्लम रह गई है, वैसे तो आपको नहीं होनी चाहिए, तो मुझसे पूछ लो। जी बेटा क्लियर है सबको? बच्चों सो रहे हैं या जाग रहे हैं? स्टूडेंट्स जी कोई क्वेश्चन है तो कर ले। अच्छा मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है। हाँ जी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो कर ले, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सब। ठीक है बेटा, अब तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी आपको स्ट्रेचेस में मतमस्ता होना चाहिए, सारे ही हमारे पास जो पेरिफेरल हमने पढ़े हैं जितने भी पेरिफेरल जॉइंट सीटी स्कैन के, ये सारे हमारे पास कौन से हैं, एक्सियल सेक्शंस में, ठीक है, और एक्सियल सेक्शंस में आपने अपनी बॉडी के ऊपर रख के इसको इसी तरह से कट करें, ठीक है, और जितने मसल्स जो जो मैंने आपको मेजर मसल्स बताए हैं, जो जो मैंने आपको मेजर बोन्स बताए, ठीक है, ये बड़ी रिकॉर्डिंग सामने रख के तो आप जो है वो अपने स्पॉटिंग और एग्जाम के लिए जो है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हमारा बच्चों ये थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, सीटी का एक लेक्चर जो है वो फिर इंशाल्लाह जो हमारा ईद के बाद वाला कोई लेक्चर होगा उसमें भी हम जो है वो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप लोग अगर रिकॉर्डिंग्स भी देख लें उसमें से भी आप उसमें देख लें, और हमने काउंसलिंग आवर में भी इसको जो है वो बार बार रिपीटली मैंने आपको बताया था कि जो है वो ब्रेन सीटी में आपने जो है वो क्या क्या करना है। अगर आपके पास अभी बच्चों टाइम है, कोई नेक्स्ट क्लास नहीं है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, मुझे बता दो। मैम नेक्स्ट लेक्चर है, सॉरी कर लेंगे मैम नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है बेटा। वैसे तो मैंने आपको काउंसलिंग आवर में भी बार बार बताया था कि ब्रेन में भी आपने जो ब्रेन का सीटी है उसमें आपने एक तो सबसे पहली बात है जो हेमरेजेस एक तो बेटा जो हेमरेज वाला मैंने आपको बताया था पार्ट है, ठीक है, वो वाला जो था हमारे पास एक स्लाइस ब्रेन हेमरेज की डिफरेंट टाइप्स थी, ठीक है, वो तो आपने जरूर पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको वो भी आया था एक एमसीक्यू भी मैंने दिया हुआ था, ठीक है, और एक आपके पास स्लाइस
स्लाइड है, ये वाली स्लाइड है, ठीक है, मैं आपको जरा शो करा देती हूँ। मैम अगर अपना पेपर रिव्यू करना है तो मींस कब कर सकते हैं? मैम सॉरी, अगर पेपर रिव्यू करना है तो कब कर सकते हैं? अच्छा आपकी आवाज मुझे बहुत स्लो आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा ये वाला जो बच्चों, एक मैंने आपको बार बार साइट को कहा हुआ है, ये आपको लेबलिंग के लिए आ सकती है। मैं कोई भी इमेज शो करके ये पूछ सकती हूँ कि ये कौन सा है, जिसको आप बताएं ये कौन सा हेमरेज है, ठीक है, और जो है वो इसकी क्या शेप है, इसका क्या सोर्स है, इसकी क्या पेशेंट की प्रेजेंटेशन है, ये आपको क्वेश्चन जो है मैंने बार बार बताया है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सब इस साइज पर सारे बच्चे रटते हैं, ठीक है, ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ, किसी भी टाइम पूछ सकती हूँ, ये मैं आपसे पॉटिंग में भी पूछ सकती हूँ, एग्जाम में भी पूछ सकती हूँ। तो इस साइड को तो आप सब बच्चे जो है वो रट लें, ठीक है। अब तो छुट्टियां हो गई हैं। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, अदरवाइज मैं आपको क्लास में से रिमूव कर दूंगी। आपको इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि आप क्लास में क्लास ले रहे हैं, पीछे आपने डेक लगाया हुआ है, इतना ऊंची ऊंची म्यूजिक लगाया हुआ है। आपको बच्चों मैं देखी कितनी, कोई मेरा ख्याल है फोर्थ फिफ्थ टाइम में सारी बातें रिपीट कर रही हूँ, ठीक है ना। अभी भी अगर आप लोग आइडेंटिफाई ना करें और टीचर को रिस्पॉन्स ना दें, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपके एंड से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नेगलिजेंसी होगी। अच्छा बच्चों मंडे जो है वो मेरा ऑफ है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ईद के बाद कोई भी एक डे मैं आपको देखूंगी जिसमें अगर आपने किसी ने पेपर रिव्यू करना होगा तो फिर हम करेंगे, मंडे मेरा ऑफ है, ठीक है। ईद के बाद मैं आपको एक डे दे दूंगी जिसपे आप आके जो है रिव्यू कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने आपको बच्चों बहुत रीनियन मार्किंग की, मैंने आपको सबको बता दिया आप लोगों ने जो ब्लंडर्स किए हुए थे और मैंने उसको किस तरह से जो है वो मैंने उसको इग्नोर करके जो है वो रीनियंसी के साथ चेक किया, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई मसला है तो आप आगे रिव्यू कर लें, ठीक है। जितने बच्चों ने रिव्यू किया है, किसी भी स्टूडेंट का कोई मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए, बिकॉज जो है वो ऑलरेडी बच्चों मैंने उसको जो है वो चेक, ठीक है। तो ब्रेन सीटी बच्चों अब आप ऐसा करें कि रिकॉर्डिंग्स में से पढ़ लें, ठीक है, या फिर लेक्चर का अगर ना भी हो सका तो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग जो है वो बना के सेंड कर दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको फोकस करके बता दूंगी कि आपने उसमें कौन कौन से मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको जो है वो आपने फोकस करना, ठीक है, जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्लास हो सकी तो क्लास रख लेंगे, और अगर क्लास ना हो सकी तो फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर दूंगी। ओके बच्चों अब ईद है आ रही, तो आप लोगों ने वीकेंड में और इन छुट्टियों में बेशक आप इंजॉय करें, ईद भी इंजॉय करें, ठीक है, सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ आपने थोड़ा सा दिन में जो है वो टाइम निकालना है, स्पेशली रेडियोलॉजी के लिए आपने टाइम निकालना है बच्चों, 1 घंटे के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रही 4-5 घंटे, सिर्फ 1 आवर दिन में रात में सुबह में किसी भी वक्त 1 आवर बैठ के आपने जो है वो रेडियो को जितने भी जो लेक्चर्स हैं, जो अब हमारे आगे असेसमेंट है, स्पॉटिंग है, आपका क्विज है, और साथ आपका क्या है बाय बाय, ठीक है। तो ये सारा बच्चों आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस करना है, बिकॉज आप इसमें अच्छे मार्क्स लें, बिकॉज मिड में आपने खुद ही देख लिया कि आप में से बहुत सारे बच्चों के मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो गए, ठीक है। अभी भी आपके पास चांस है कि आप अपने आपके असेसमेंट्स हैं उसमें अच्छा स्कोर करें, ठीक है, 90% 95% स्कोर करें, वो तभी होगा जब आप इसको पढ़ेंगे। तो इसलिए बच्चों ईद की छुट्टियों में सब बच्चों ने 1 घंटे के लिए डेली फर्स्ट डे ईद का छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा जितने भी डेज हैं उसमें आपने 1 घंटे के लिए बैठ के रेडियोलॉजी पढ़ी, ठीक है बच्चों। हम भी इसी तरह ही पढ़ते थे, ईद पे भी पढ़ते थे, हर छुट्टियों में पढ़ते थे, संडे भी पढ़ते थे, और साथ साथ एंजॉय भी करते थे, ठीक है। तो आप एंजॉय करें, मैंने आपको ये नहीं कहा, फैमिली इवेंट्स अटेंड करें, सब कुछ करें, लेकिन सिर्फ 1-2 घंटे जो है वो दिन में स्टडीज को दे दो, ठीक है। तो 1 घंटा आपने डेली छुट्टियों में रेडियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपने निकालना है। चलिए बच्चा अब हम अपनी क्लास एंड कर देते हैं, ठीक है जी, ओके, ईद मुबारक बच्चों, इन एडवांस टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।